मॉनसून ने देश में दस्तक दे दी है। पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून ने ऐसी एंट्री मारी कि सड़कें पानी में डूब गई। मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी की थी जो एकदम सटीक साबित हुई। असम के साथ साथ मेघालय में जबरदस्त बारिश हुई। बारिश के बाद कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सड़क पर गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं, सड़कों पर पानी भर गया है। मकान दुकान के साथ साथ सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। कैमरे में कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे चार पहिया वाहन पानी में डूब चुके हैं। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी के रास्ते पूर्वोत्तर भारत में दाखिल हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी और मध्य पूर्वी इलाकों में आगे बढ़ा है। साथ ही ये मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के अधिकतर हिस्सों तक पहुंच चुका है, जहां आने वाले दिनों में बरसात देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपों के सबसे निचले इलाकों को छोड़कर इस बार मानसूनी बारिश का वितरण पूरे देश में समान रहेगा। आपको बता दें कि मानसून कर्नाटक के बेंगलुरु, चिकमंगलूर और करवार तक पहुंच चुका है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप की और अरब सागर से आ रहे मानसूनी हवाओं के मद्देनजर मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी अंदरूनी इलाके, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले चार दिन तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी में जबरदस्त बारिश हो सकती है। IMD ने बताया कि इस साल मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी पश्चिमी प्रायद्वीप के सबसे निचले इलाकों को छोड़कर इस बार मानसूनी बारिश का वितरण पूरे देश में सामान्य रहेगा। गौरतलब है कि मानसून विभाग ने 29 मई को ही केरल में मानसून आने की घोषणा कर दी थी, जबकि सामान्य तौर पर 1 जून को मानसून केरल पहुंचता है। पूर्वोत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है और आने वाले दिनों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है।